नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद भारद्वाज और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। दोस्तों, आईपीएल 2019 की नीलामी में कई नए अनजान खिलाड़ी करोड़पति बने हैं, तो वहीं क्रिकेट जगत के कई दिग्गज बल्लेबाजों को निराशा हाथ लगी है। दरअसल आमतौर पर आईपीएल में देखा जा रहा है कि अनुभवी खिलाड़ियों के मुकाबले युवा खिलाड़ियों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और यही वजह रही कि आईपीएल के पहले सीजन के पहले मैच में ही धुआंधार बल्लेबाजी कर तहलका मचाने वाले न्यूजीलैंड के धुरंधर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम समेत कई दिग्गज बल्लेबाज अनसोल्ड रहे। आज हम आपको 5 ऐसे दिग्गज बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जिनका आईपीएल 2019 खेलना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से ये सभी बल्लेबाज अनसोल्ड रहे। सबसे पहले बात करें मनोज तिवारी की, तो आईपीएल के कई टीमों से खेल चुके मनोज तिवारी 2019 की नीलामी में अनसोल्ड रहे। भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके मनोज तिवारी का हालिया प्रदर्शन भी शानदार रहा है, यहां तक कि आईपीएल में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली है। आईपीएल 2012 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच फिनिश कर कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में तिवारी की बड़ी भूमिका रही थी। इसके अलावा मनोज तिवारी आईपीएल 2017 के फाइनल में पहुंची पुणे की टीम का भी हिस्सा रहे थे। यही नहीं, लगभग सभी मुकाबलों में निचले क्रम में बल्लेबाजी कर पुणे को फाइनल में पहुंचाने में मनोज की बड़ी भूमिका रही थी। हालांकि 2018 आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से मनोज तिवारी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, और यही वजह रही कि आईपीएल में किसी टीम ने मनोज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दूसरे नंबर पर बात करें दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हासिम अमला की, तो अमला को हमेशा ही विस्फोटक बल्लेबाज नहीं माना जाता रहा है। हालांकि इसके बावजूद अमला के आईपीएल में रिकॉर्ड शानदार हैं। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से 2016 और 2017 आईपीएल खेल चुके हासिम अमला कुल 2 शतक सहित 500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। हालांकि अमला दोनों सीजन में पूरे मैच नहीं खेल सके, इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के मैच होने की वजह से अमला बीच आईपीएल में ही वापस लौट गए थे, और यही बड़ी वजह हो सकती है कि हासिम अमला को 2019 आईपीएल की नीलामी में किसी टीम ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वो पूरे सीजन मैच में उपलब्ध नहीं रहते हैं। तीसरे नंबर पर बात करें इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस ओक्स की, तो पिछले साल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हिस्सा रहे थे। शुरुआती मैच खेलने के बाद ओक्स को फिर मौका नहीं दिया गया। आपको बता दें कि वोक्स ऐसे ऑलराउंडर हैं जो 4 ओवर पूरे करने के साथ साथ निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन आईपीएल की कोई भी टीम ने वोक्स को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। चौथे नंबर पर बात करें ऑस्ट्रेलियाई स्पिन गेंदबाज एडम जंपा की, तो जंपा के नाम आईपीएल की दूसरी सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके अलावा हाल ही में जंपा ने टीम इंडिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, बावजूद इसके आईपीएल की किसी टीम ने जंपा को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पांचवें नंबर पर बात करें न्यूजीलैंड के धुरंधर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम की, तो इतिहास में जब भी कभी आईपीएल का जिक्र होगा तो ब्रेंडन मैकुलम के नाम के बिना अधूरा ही रहेगा। आपको बता दें कि आईपीएल के पहले सीजन के पहले मैच में ही कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रनों की तूफानी पारी खेली थी। ब्रेंडन मैकुलम की उस विस्फोटक पारी को आज भी क्रिकेट फैंस याद करते हैं। वहीं अब लगभग 11 साल बाद ब्रेंडन मैकुलम जैसे धुरंधर बल्लेबाज को आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके ब्रेंडन मैकुलम पिछले साल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का हिस्सा रहे थे, लेकिन मैकुलम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। यही वजह रही कि आईपीएल 2019 की नीलामी में मैकुलम को खरीदने में कोई टीम दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके अलावा बढ़ती उम्र भी मैकुलम के ना बिकने का बड़ा कारण हो सकता है।